और अपडेट ये भी है कि चेयरमैन ओग्रा ने यकम मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का इंदिया दे दिया है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज सैफ रहमान से। सैफ कहिएगा, महंगे कार्गो और तेल की कीमतें बढ़ने के क्या असरात होंगे? देखिए, आज बेसिक बुनियादी तौर पर जो काबीना की जो कमेटी थी यहाँ पर, उस हवाले से जो चेयरमैन कमेटी थे पेट्रोलियम के, उन्होंने सवाल किया था 28 तारीख के बाद क्या लगता है कीमतें क्या होंगी। तो वहाँ पर मौजूद थे चेयरमैन ओग्रा, तो उनका ये कहना था कि चूंकि आलमी मार्केट में जो खाम तेल है वो मुसलसल उसकी कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, तो जो सूरत हाल है वो यही लग रही है सार्फीन को। इजाफा कितना होगा ये तो उन्होंने नहीं बताया, तो उनका यही कहना था कि सार्फीन को पर ही ये बोझ जाएगा जो मौजूदा आज तक की सूरत हाल है। जो वजह बताई गई उसमें यह है कि अभी जो सेल्स टैक्स है वो सिफर है तमाम जितनी प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया कि पाकिस्तान ने LNG का जो कार्गो खरीदा है वो $25 फी यूनिट पर MMBTU उसकी कीमत पड़ी है। मेरा ख्याल है कि तारीख में सबसे जो है वो महंगा तरीन कार्गो पाकिस्तान ने खरीदा है। सैफ रहमान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।